डूब जाते हैं किनारे नहीं मांगा करते हैं, डूब जाते हैं किनारे नहीं मांगा करते हैं, रहम की भीख जियाले नहीं मांगा करते, एक हल्की सी हवा जिसको उड़ा ले जाए, ऐसे तिनकों से सहारे नहीं मांगा करते, ऐसे तिनकों से सहारे नहीं मांगा करते। ऐसे तिनकों से सहारे नहीं मांगा करते, क्या इसी दिन के लिए मैंने मोहब्बत की थी, क्या इसी दिन के लिए मैंने मोहब्बत की थी। सुफियान भाई सुनने की बात है, काम की है। क्या इसी दिन के लिए मैंने मोहब्बत की थी, क्या बताऊंगा अगर मेरा यकी पूछेगा और मुझको दुख दर्द की सूली पे चढ़ाने वाले, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछेगा, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश न पूछेगा, ये बात सच है कि तेरे बहुत करीब हूं मैं, हाँ ये भी सच है किसी और का नसीब हूं मैं, फिर उसके बाद कोई खत नहीं लिखा उसने, किसी से सुन लिया होगा बहुत गरीब हूं मैं, किसी बहुत गरीब हूं मैं, तुझसे बिछड़ के मौत को अपना बनाएंगे, तुझसे बिछड़ के मौत को अपना बनाएंगे, हम जो भी कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, ये आईना बड़ी हैरत से देखता है मुझे, कोई तो है जो मोहब्बत से देखता है मुझे, गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं, मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है मुझे। सुफियान भाई मतलब सुनिए, सूनी सूनी पड़ी है मंजिले, बड़े मकबूल मिसरे हैं जो नजर कर रहा हूं, दिल में बस अब तेरी सूरत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में तेरी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं, अब मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, अब मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, अब मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, अब मेरे पास मोहब्बत, अब मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, अब मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं,
हकीकत नहीं है, कहानी नहीं है, जवानी हमारी जवानी नहीं है, हकीकत नहीं है, कहानी नहीं है, जवानी हमारी जवानी नहीं है। कहाँ है जितने मोहब्बत में आस हो, समंदर में भी उतना पानी नहीं, समंदर में भी उतना पानी नहीं है, समंदर में भी उतना पानी नहीं है। जरा मतलब देखिए, सोनी सोनी पड़ी है मंजिले, सोनी पड़ी है मंजिले, रास्ता उदास है, उनके बगैर दिल का, उनके बगैर दिल का ये कमरा उदास है, शेर के लिए ही मैंने गजल पढ़ी है। बड़े भाई ने नवाजा है, बड़ी मोहब्बत बड़ी दुआओं के साथ। अबू भाई, इस शेर के लिए मैंने गजल पढ़ी है और मैं अपनी फैमिली से भी तवज्जो चाहता हूं। किस बात पर? दो बज चुके तो बच चुके हैं रात के, बेटा है लापता, तो बच चुके रात के, बेटा है लापता, तो बच चुके रात के, बेटा है लापता, तो बच चुके हैं रात के, बेटा है लापता। उस बूढ़ी माँ का इसलिए, उस बूढ़ी माँ का इसलिए चेहरा उदास है, उस बूढ़ी माँ का इसलिए चेहरा उदास है। उस
उस बूढ़ी माँ का इसलिए, उस बूढ़ी माँ का इसलिए चेहरा उदास है। बूढ़ी माँ का इसलिए चेहरा उदास है क्योंकि शादियां कर करके बच्चे जा बसे परदेश में, शादियां कर करके बच्चे जा बसे परदेश में, दिल और तस्वीरों से बहलाती है माँ, शादियां कर करके बच्चे जा बसे परदेश में, दिल खतों और तस्वीरों से बहलाती है माँ, मरते दम बच्चा अगर ना आ सके परदेश से तो अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। मरहूम मनवर साहब राणा, ये मरहूम मनवर राणा साहब क्या कहते हैं चार चरणों में के हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी सच चलती है। क्या बात है वाह, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी सच चलती है कि हम तन्हा नहीं चलते दबा भी साथ चलती है, साथ चलती है अभी अभी मियां अभी अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं घर से जब निकलता हूँ तो भी साथ चलती है, मैं घर से जब निकलता हूँ तो भी साथ चलती है। ये भी मरहूम मनवर राणा साहब है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई, क्योंकि ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है, मिलने को तो मिल जाती है बाजार में हर शय, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है, क्योंकि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आके खोल दी घर में उजाला हो गया। बड़े मकबूल मिसरे हैं, हालांकि पुराने हैं लेकिन बड़े पसंद है मुझे, माँ बाप अपनी औलाद से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है कि वो उस पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं जो बीवियों की सब फरमाइश है, मगर माँ का वो टूटा हुआ चश्मा ना वो बनवा सके, तो माँ कहती है कि बेटा बेटा मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो मैं अच्छा सगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, और मुझे तब दुनियादारी देखने का था शौक मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ये अबू भाई अब के लड़के बीवियों के जाल में रह गए, ये आजकल का दौर है, आज की कहानी, अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे, मुफलिसी की धूप में छपड़ते जिनको भी अजीज, अब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे, क्योंकि बाप से बद कलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, बेटा देता है गालियां मां को, सास का एहतराम करता है, कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बूढ़ी मां तेरे चेहरे की झुर्रियों के पसंद हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। शेर नजर कर रहा हूँ क्योंकि अजान का वक्त भी करीब है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये शेर, क्या
तारीख तारीख बन के देख लो कर दो बोलो कि तुम हो फिक्रमंद क्यों है मेरे दिल को तोड़कर तू फिक्रमंद क्यों है मेरे दिल को तोड़कर तू खुद ही जा रही है मेरा शहर छोड़कर आप गलत ना समझे मेरा इशारा तो नहीं है मैं बड़ा शरीफ बच्चा हूं तवज्जो दे क्या तारीख बनके देख लो कर वो बला की तुम क्योंकि प्यासो प्यासो के गम में आज भी प्यासो के गम में आज भी दरिया उदास है